आइए जरा आपको दिखाते हैं आंकड़े, क्योंकि इसी के नजरिए से आप समझ पाएंगे कि दिल्ली की ये तस्वीर अब जो भर कर आ रही है वो क्या कहती है। दिल्ली की ये तस्वीर साफ बताती है कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कब्जा कर लिया है 70 सीटों में से 39 सीटों का फायदा। और इधर बीजेपी का जो हश्र हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि एक तरह से सब कुछ समाप्त हो गया है। राजधानी में इसे आप सफाया ही कहेंगे, पूरी तरह की धुलाई कहेंगे। और कांग्रेस के लिए तो अब क्या ही उसके आगे बात की जाए। लेकिन जरा वोट प्रतिशत पर चलते हैं, और वोट प्रतिशत क्योंकि ये बार बार कहा गया कि लोकसभा चुनावों में अगर बीजेपी जीती तो वो वोट प्रतिशत उनके साथ नहीं था, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी ने। अभी तक जो वोट परसेंटेज है जरा उस पर नजर डालिए, 54.2%, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 54.2% के साथ, वोट परसेंटेज के साथ एक तरह से क्लीन स्वीप है ये वोट में भी, वोट परसेंटेज के मुताबिक, जबकि बीजेपी 32.2% वोट लेकिन 3 सीटों में सिमट गई है। ये भी अपने आप में कहने के लिए काफी है कि निर्णायक रूप से हर सीट पर आम आदमी पार्टी के समर्थन करने वाले वोटरों ने अपना जी जान झोंका है, और इसीलिए शायद 54 के साथ वो 67 सीटों पर है, जबकि ये 32.2% के साथ भी सिर्फ 3 पे सिमटे हुए हैं। इधर कांग्रेस पर नजर डालिए, 9.7%। ये हम साथ ही आपको दिखा रहे हैं कितने का फायदा हुआ है, कितने का नुकसान भी हुआ है वोट परसेंटेज में। लेकिन कांग्रेस इतने वोट परसेंटेज के साथ भी शून्य पर अटक चुकी है। अब कांग्रेस को ये समझना होगा कि आखिर ऐसा हश्र उनका क्यों हुआ है। सिलसिलेवार ढंग से हर कंस्टिट्यूएंसी की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, हर कंस्टिट्यूएंसी में आखिर किस तरह से आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़त हासिल की है और क्या उन्होंने हासिल किया है। तो कुल मिलाकर ये सीट हमने आपको वोट परसेंटेज सब कुछ बता दिया, सुनामी से कहा जा रहा है, ये वाकई अपने आप में एक सुनामी है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वोटरों ने उनके हक में वोट दिया है 3 सीटों पर, अभी लोकसभा की बात है, 7-0 दिया था बीजेपी को, वहां पर सिमट दिया है। अब जरा किसको कितनी सीटें इस पर देख ले, तो नई दिल्ली विधानसभा, ये लोकसभा क्षेत्र में जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो नई दिल्ली विधानसभा जो सीट है इस पर जब नजर डालते हैं तो यहां पर 3 का नुकसान बीजेपी को, 0 पर पहुंच गए हैं विधानसभा में। इसके साथ ही आपकी तरफ आप देखिए तो उनको 10 का फायदा हुआ है, 10 का फायदा यानी +3 यानी 3 का फायदा उनको हुआ है। इधर जब कांग्रेस पर आप नजर डालें, कांग्रेस की तरफ जब नजर डालें तो 0-0 और इधर अन्य भी 0-0। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है, और वो तस्वीर ये कह रही है कि जो नई दिल्ली सीट है उसकी हालत आपने देख ली, आपको जबरदस्त फायदा। वही क्षेत्र है जहां से चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल थे। अब जरा दक्षिणी दिल्ली पर नजर डाल लेते हैं, दक्षिणी दिल्ली, वहां पर 7 का नुकसान बीजेपी को। हर जगह यही हाल है, हर जगह एक तरह से पूरी तरह से बेआबरू होकर तमाम जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको नकारा है जनता ने, 7 का फायदा, और अरविंद केजरीवाल को यहां पर 10 का फायदा। कांग्रेस के लिए तो क्या और अन्य के लिए क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अन्य भी सीटों पर डालेंगे नजर, जो तमाम लोकसभा क्षेत्र रहे थे कैसे वहां पर 7-0 से अब सब कुछ लुट गया है एक तरह से बीजेपी के लिए। लेकिन उससे पहले जो बड़ी बातें हैं उस पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। केजरीवाल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये तो खैर कही हुई बात है। जो दूसरी बड़ी बात दिखती है वो ये कि 14 फरवरी को रामलीला मैदान में वो शपथ लेंगे, ये उन्होंने बताया है, जानकारी दी है उनकी पार्टी ने। दिल्ली की जनता ने कमाल कर दिया, इस भारी बहुमत से डर भी लगता है, ये आजकल डायलॉग दबंग फिल्म का अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। केजरीवाल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, 14 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे, दिल्ली की जनता ने कर दिया है कमाल, ये कहा उन्होंने। इस भारी बहुमत से डर भी लग रहा है, बीजेपी को सीएम उम्मीदवार किरण बेदी हार गई है। किरण बेदी का हारना कृष्णा नगर जैसी सीट से, कृष्णा नगर वही सीट है जहां पर हमेशा से डॉक्टर हर्षवर्धन रहते थे, ये बहुत करारी शिकस्त है। मोदी ने फोन करके केजरीवाल को बधाई दी, मोदी ने चाय पर बुलाया है तो चाय पर चर्चा का भी इंतजार करिए, वहां से भी दिलचस्प खबरें आएंगी। इधर सोनिया राहुल गांधी ने दी है केजरीवाल को बधाई, बधाई तो अब खैर सारे ही दे रहे हैं। केजरीवाल ने अन्ना को फोन करके उनसे आशीर्वाद लिया, ये उनके दिल की कसक रही है हमेशा से कि अन्ना ने क्यों साथ नहीं दिया। इधर उद्धव ठाकरे ने भी बधाई दे दी है, सुनामी ने बड़ी इससे बड़ी होती है लहर, ये उन्होंने कह दिया है। केजरीवाल ने अन्ना को फोन कर लिया है, तो जो सहयोगी थे वो भी चुटकी ले रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी ने। अब आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से आम आदमी पार्टी की जो ये हम कह रहे हैं ये सुनामी है,
वो किन किन जगहों पर है, किस तरह से दिल्ली में है। पश्चिम दिल्ली का रुख करते हैं, यहाँ पर भी 6 का नुकसान। लोकसभा में अभी 7-8 महीने पहले 7-0 से आगे रहने वाली बीजेपी, अब यहाँ पर किस तरह से करारी शिकस्त। 6 का नुकसान हुआ, 6 का फायदा हुआ, आप पहुंच गए 10 पर। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब आप एक एक सीट पर कंपैरिजन, पूर्वी दिल्ली आपको लिए चलते हैं, पूर्वी दिल्ली का नजारा देखिए, वहां से भी आप समझ जाएंगे कि आम आदमी पार्टी को किस तरह का फायदा होता हुआ दिख रहा है। 2 का नुकसान बीजेपी को, 1 यहां पर, लेकिन +4 आपको यहां पर भी चार करते हुए उनको 9 पर पहुंचाते हुए 2 का नुकसान यहां पर कांग्रेस को और अन्य जस के तस। लेकिन कुल मिलाकर 0/0 अगर कांग्रेस में है तो उसके बहुत ही करीब है बीजेपी, सिर्फ 3। और इसमें से भी अगर आप देख लीजिए तो विजेंद्र गुप्ता ही शायद एक ऐसे शख्स हैं जो लगता है अपने बलबूते निकाल पाए हैं। बाकी दोनों में जो वोट डिवीजन रहा है कांग्रेस और आपके बीच में, उसकी कहीं ना कहीं जीत बीजेपी को मिली है। अब जरा चांदनी चौक का रुख करते हैं, यहां पर भी नुकसान, 3 खो दिए, इधर 6 के साथ बढ़ गए हैं, 10 पे पहुंच गए हैं। कांग्रेस को भी 2 का नुकसान, अन्य को भी 1 का नुकसान। तो कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने सबको धो दिया है। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली का हम रुख करते हैं तो यहां पर भी बीजेपी को 4 का नुकसान हो गया है, झोली भर गई आपकी, पहुंच गए 9 पर 6 के फायदे के साथ, और कांग्रेस को 2 का नुकसान। तो कुल मिलाकर जहां जहां नुकसान हुआ है वो सब आपकी झोली में पहुंचता हुआ, आप आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिल्ली का रुख कर लीजिए। 4 का नुकसान बीजेपी को, 7 का फायदा आपको, क्योंकि जो 2 कांग्रेस और 1 अन्य का गया वो भी आपकी झोली में पहुंच गया। अब हम आपको दिखाते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्र रहे हैं, मुस्लिम बहुल हम उन क्षेत्रों को कह रहे हैं जहां पर 20% के से या फिर उससे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये देख लीजिए, 3 का नुकसान यहां पर बीजेपी को, यहां पर 10 का फायदा होता हुआ आम आदमी पार्टी को, 6 का नुकसान कांग्रेस को। ये बताता है कि कांग्रेस के साथ जो अब तक के मुस्लिम मतदाता थे वो पूरी तरह से निकल के चले गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, और फिर अन्य को 1। आइए आपको पहले सुना देते हैं अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। कहा जाएगा आप जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज ये नतीजे आए हैं वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी 24-24 घंटे, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है, इट्स वेरी स्केरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ, आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है, हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है,
कभी भी सामने नहीं आती, क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। तो आज मैं इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं, वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर इनका आशीर्वाद ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं अरविंद केजरीवाल। उनका हमेशा ये मानना था कि जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, उसकी वजह से उनकी पत्नी, उनके परिवार वालों को बहुत अपमान झेलना पड़ा है। और आज वही बोल निकल रहे थे जब वो छत पर मौजूद थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू थे। लेकिन हम आपको दिखा रहे थे किसकी कितनी सीटें, एक बार फिर से कुल मिलाकर जो दिल्ली है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 67-39 के फायदे के साथ आम आदमी पार्टी ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर लिया है दिल्ली की जमीन पर। अब जरा हम आपको जो उच्च आय वर्ग है, अपर क्लास, यानी हम क्लास के हिसाब से, क्योंकि हमेशा कहा गया कि क्या क्लास के हिसाब से इस बार वोट पोलराइजेशन होगा, हालांकि जो आप ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं उसके बाद ये कहना शायद गलत होगा, क्योंकि अक्रॉस क्लासेस लोगों ने वोट किया है। उच्च आय वर्ग में आप देखिए, यहां पर भी 3 का नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी को, और यहां पर 3 का फायदा होकर आप पहुंच गई है 10 पर, कांग्रेस 0, अन्य 0। तो ये बताता है कहीं ना कहीं अगर हम मध्य आय वर्ग, मिडिल क्लास, उस पर नजर डालें तो यहां पर 11 का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, 2 पर वो सिमट गए। ये साफ बताता है कि किरण बेदी और वो जो चेहरा बनकर आई उसका क्या हश हुआ। इधर निम्न आय वर्ग पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां 20 का फायदा हो गया आपको, 15 का नुकसान हो गया किरण बेदी को। ये भी बताता है कि चाहे वो मध्य वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, साफ तौर पर किरण बेदी को नकार दिया। अब पूर्वांचलियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि पूर्वांचलियों को इस बार पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था बीजेपी ने। 11 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी ने और उसका असर दिखा, क्योंकि 9 का फायदा हुआ और उधर 8 का नुकसान हो गया। पूर्वांचलियों ने समझा कि जब आपने हमारे लोगों को टिकट ही नहीं दिया, प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, तो फिर हम आपको कैसे। हालांकि मनोज तिवारी का इस्तेमाल होता था रैलियों में भाषण बोलने के लिए भोजपुरी में, लेकिन उससे लोग झांसे में नहीं आए। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समुदाय दिल्ली में मानी जाती है, सिख कम्युनिटी, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से अब सिख कम्युनिटी, जो पंजाबी बहुल क्षेत्र है, वहां पर क्या हाल हुआ। यहां पर भी 6 का फायदा हो गया है। यहां पर भी हालांकि कई लोग मानते थे कि किरण बेदी को ला रहे हैं तो शायद ये हिस्सा उनकी तरफ चले जाए, वो भी नहीं हुआ। 5 का नुकसान, कोई भी इनकम ग्रुप हो, क्लास, ये सब कुछ इस बार लोगों के जहन में था ही नहीं। उनके मन में ये था कि हर हाल में हमें अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंपनी है और पूरी तरह से सौंपनी है बहुमत के साथ। इधर किसान बहुल जो क्षेत्र है उस पर नजर डालिए, यहां पर भी सफाया हो गया बीजेपी का। 11 सीटें जहां पर किसान ज्यादा है वो सारी की सारी सीटें चली गई है आम आदमी पार्टी की तरफ। 9 का आप देख रहे हैं फायदा हो गया है और उधर 8 के नुकसान के साथ बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। तो ये दिल्ली इस बार बोली है और जमकर बोली है, दबाकर बोली है। दिल्ली ने ये कह दिया है कि हम उस शख्स के साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने एक सादगी के साथ हिंदुस्तान की राजनीति को आगे ले जाने की बात कही है। किसान भी उसके साथ हो लिए, हर क्लास के लोग, हर मजहब के लोग, सबने सपोर्ट किया है। अब इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नई दिल्ली सीट है उस पर क्या हाल है, नुपुर शर्मा को उतारना। हालांकि वोटिंग के दिन अगर आपको याद हो, एक के बाद एक ही आप कह सकते हैं आरोप वो लगा रही थी, लेकिन सब नाकाम रहा। इधर किरण वालिया को उतारना नाकाम रहा कांग्रेस के लिए, अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त जीत। लेकिन इधर हार गई किरण बेदी। कृष्णा नगर गढ़ माना जाता है बीजेपी का, सेफ सीट मानकर उन्हें उतारा था वहां से।
हाथ में सौंप दिया था कि ये शायद सीट आप बचा लें, लेकिन वो भी ना कर पाई। एसके बग्गा साहब आम आदमी पार्टी के मार गए बाजी। किरण बेदी लेकिन आज एक बार फिर से जब आई तो लगा जैसे कैंपेनिंग मोड में ही चल रही हैं। क्या कहा उन्होंने और कैसे बोलते बोलते बोल गई कि बीजेपी की हार है, यानी अपनी ऊपर से हार का पूरा ठीकरा जरा हटाती हुई दिखी। सुनिए, मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने कबूल किया, मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि मैं एक ओपन बुक हूँ। मैं ओपन बुक हूँ, जो भी मैं हूँ ओपन बुक हूँ। लेकिन किस प्रकार उन्होंने, और लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके मूल्य और मेरे मूल्यों में एक तालमेल था। वी वर इन अलाइनमेंट ऑन द वैल्यू सिस्टम। सो मैं पहले उनके धन्यवाद, लेकिन उनसे मैं माफी भी मांगती हूँ कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया, और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। बीजेपी के लिए अब ये एक रिसर्च का विषय बनना चाहिए। किरण बेदी को जिस तरह से उतारा था और मैदान पूरी तरह से अब खाली करके किरण बेदी निकली है दिल्ली के लिए, कम से कम समझना पड़ेगा, क्योंकि जन सैलाब आज दिखा तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। लॉट्रेक्चर ब्रेक के बाद आपका फैसला, देखते रहिए आज तक।